सीएम शिवराज का प्रियंका पर पलटवार, बोले माधव राव सिंधिया के लिए अभद्र शब्द कहना अहंकार की पराकाष्ठा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा की गई टिप्पणी की जमकर निंदा की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और देश अहंकार से भरे शब्दों के लिए आपको कभी माफ नहीं करेगी। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा था? प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दतिया में ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोटे कद और बड़े अहंकार वाला व्यक्ति करार दिया था। साथ ही कहा था कि उन्होंने अपने परिवार की परंपरा को बखूबी निभाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दरमियान का एक किस्सा सुनाते हुए सिंधिया को लेकर ये टिप्पणी की थी। इसी टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज का पलटवार सामने आया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जी, ये आपके अहंकार की पराकाष्ठा है। मध्य प्रदेश और जनता की सेवा के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहे माननीय माधव राव सिंधिया जैसे व्यक्तित्व के लिए आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो न केवल जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है बल्कि हृदय को तार तार कर देने वाला भी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए व्यक्तिगत आक्षेप अत्यंत अशोभनीय और निंदनीय है। प्रियंका जी, मध्य प्रदेश और देश आपकी अभद्र व असहनीय टिप्पणी एवं अहंकार से भरे शब्दों के लिए कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज ने भोपाल में प्रियंका गांधी पर सवाल भी दागे। उन्होंने कहा कि क्या चुनाव एक्टिंग के लिए होते हैं? क्या ये फिल्मों के लिए होते हैं? क्या ये सलमान खान के नाम पर होते हैं? चुनाव तो जनता और विकास के मुद्दों के लिए होते हैं। कांग्रेस अजीबो गरीब हो गई है, कभी जय बीरू की बात करती है। इसी से पता चलता है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम डबल इंजन और कांग्रेस मनोरंजन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।